एक दफा नूरजहां आई थी जहांगीर के साथ, प्रेग्नेंट थी, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी। जहांगीर ने कहा हर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक अशरफी दूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट्स न्यूज में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र के स्ट्रगल के दिनों के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉलीवुड के चमकते सितारों को देख कई बार हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि इस चमक के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा है। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने शानदार एक्टिंग करियर के दम पर फिल्म जगत में अपना बड़ा नाम बनाया। आज उनके बेटे भी बड़े सितारे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र ने सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है? दोस्तों, धर्मेंद्र के स्ट्रगल के दिनों का एक किस्सा काफी चर्चित है, जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे। जब एक बार धर्मेंद्र ने भूख से परेशान होकर उससे राहत पाने के लिए एक दवा की पूरी बोतल ही पी ली थी। साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले धर्मेंद्र के लिए शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष वाले बीते। आज धर्मेंद्र का जीवन शानो चौकत से भरा है, लेकिन उस दौर में तंगहाली का आलम यह था कि कई बार वो बड़ा पाव खाकर ही सो जाया करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद पेट भर खाना भी मुमकिन नहीं हो पाता था। ये किस्सा उसी दौर का है जब धर्मेंद्र तंगहाली से गुजर रहे थे। मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जीनत अमान, नीतू सिंह, जितेंद्र और प्राण भी थे। ये धर्मेंद्र के स्ट्रगल और तंगहाली के दिन थे। फिल्म की शूटिंग कर एक रात जब धर्मेंद्र घर लौटे तो भूख लगने पर उन्होंने कब्ज मिटाने की दवा पी ली। इसे पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें दवा नहीं भोजन की ज़रूरत थी और उन्होंने कई दिनों से बढ़िया से खाना नहीं खाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।